शासित प्रदेश और एलजी, ये जो टकराव है, अगर जम्मू कश्मीर राज्य नहीं बनता है तो यहाँ पर भी वो टकराव जो है स्पष्ट रूप से नजर आएगा, और अगर आपकी सरकार बनती है तो वो कैसे झेलेंगे? देखिए, हम तो पहले दिन से स्टेट रोड की मांग करेंगे और चाहेंगे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, और निश्चित रूप से हम दिल्ली में झेल रहे हैं और दिल्ली में देख रहे हैं कि कैसे जो हमारे काम है उसको प्रॉपर करने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि सरकार है तो लोगों के लिए अगर लड़ना पड़ेगा तो धरना भी। लोग ये भी सोचेंगे कि अगर वहाँ ये हाल हुआ तो यहाँ भी हुआ तो सरकार काम कैसे? तो देखिए, आज इनकी सरकार है तो आज कौन सा काम हो रहा है, लेकिन इस सिस्टम को बदलने के लिए किसी को सामने आना पड़ेगा और वो है अरविंद केजरीवाल। ये अभी कुछ डिसाइड नहीं है, वो पार्टी डिसाइड करेगी, हमारे सीनियर नेता। सीटें कितनी? 90। 90 में से 90 लेंगे? 80 सीटें क्लियर हैं और कोशिश करेंगे कि 90 की 90। तो भाजपा को भी पार करके वो तो 50 के पार बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी की जहाँ पे भी सरकार बनी है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो पंजाब हो, हमने फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाई है। दिल्ली में बात करेंगे तो 70 में से 67 सीटें, और पंजाब में बात करेंगे तो 117 में से 92 सीटें दी हैं। तो यही बदलाव हमें जम्मू कश्मीर में भी नजर आ रहा है, तो 90 में से 88 सीटें जो है वो आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में विभिन्न दल जुट चुके हैं, और वहीं अगर हम कहें आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं इसी तैयारी में जुटी नजर आ रही है। प्रदीप जी हमारे साथ, प्रदीप जी क्या तैयारियां हैं, और जो विजय रथ है जिस तरह से हमने पंजाब में देखा, दिल्ली में तो आपका रिकॉर्ड ही अलग है, तो क्या जम्मू कश्मीर में दोहराया जाएगा? देखिए, आम आदमी पार्टी जो बनी है वो आम लोगों से बनी, और आम आदमी जब बदलाव चाहता है तो रिकॉर्ड बनते हैं, और वो रिकॉर्ड जो दिल्ली और पंजाब के बाद आज जम्मू कश्मीर में निश्चित रूप से बनेगा, और 90 में से 88 सीटें आम आदमी पार्टी जिस लक्ष्य को लेकर हमने, प्रधानमंत्री से लेकर छोटा कार्यकर्ता भाजपा का, वो कहते हैं कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, तो प्रधानमंत्री जी इतने क्यों डर रहे हैं? देख रहे हैं दिल्ली में किस तरीके से वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में से उनके होर्डिंग को हटाकर अपनी फोटो लगा रहे हैं, तो इतना डर क्यों है? अगर उनको आम आदमी पार्टी ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं है तो क्यों डर रहे हैं? चुनाव कराइए और जल्दी चुनाव कराएंगे, आपको पता लग जाएगा क्या होगा। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, पीडीपी भी है, कांग्रेस भी है, हालांकि परिवारवाद का आरोप इन पर लगता है, तो ये जो परिवारवाद की राजनीति है इसको कैसे समाप्त करें? देखिए, आम आदमी पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है, आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। रही बात कांग्रेस की, वो अपनी अंतरकला से जूझ रही है और उसका कोई वजूद नहीं है। पीडीपी खत्म हो चुकी है। एनसी का, जैसे कि हमारे दुर्गेश पाठक जी ने बताया है कि ईडी के सम्मन्स, कभी उनको ईडी के नोटिस भेजे जा रहे हैं, तो दबाने की कोशिश की जा रही है। आज एक पार्टी है आम आदमी पार्टी जो मोदी जी से डायरेक्ट टक्कर ले रही है, भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्ट टक्कर ले रही है, और जो भारतीय जनता पार्टी अगर डर रही है तो वो आम आदमी पार्टी। एक सवाल है, ये हमेशा से हम देखते रहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश और एलजी, ये जो टकराव है, अगर जम्मू कश्मीर राज्य नहीं बनता है तो यहाँ पर भी वो टकराव जो है स्पष्ट रूप से नजर आएगा, और अगर आपकी सरकार बनती है तो वो कैसे झेलेंगे? देखिए, हम तो पहले दिन से स्टेट रोड की मांग करेंगे और चाहेंगे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, और निश्चित रूप से हम दिल्ली में झेल रहे हैं और दिल्ली में देख रहे हैं कि कैसे जो हमारे काम है उसको प्रॉपर करने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि केजरीवाल साहब तो खुद ही धरने पर बैठ जाते हैं, मुख्यमंत्री होने के बाद भी धरना कर देते हैं। देखिए, लोगों के लिए मैं लड़ना पड़े तो लोगों की सरकार है तो लोगों के लिए अगर लड़ना पड़ेगा तो धरना भी। लोग ये भी सोचेंगे कि अगर वहाँ ये हाल हुआ तो यहाँ भी हुआ तो सरकार काम कैसे? तो देखिए, आज इनकी सरकार है तो आज कौन सा काम हो रहा है, लेकिन इस सिस्टम को बदलने के लिए किसी को सामने आना पड़ेगा, और वो है अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने दिल्ली में भी आज इतना बावजूद होने के बावजूद स्कूल अच्छे किए हैं, हॉस्पिटल अच्छे किए हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम किया है, बिजली पानी के जो पिछले 7 साल से फ्री दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से तो मुख्यमंत्री की दावेदारी करते हैं जम्मू कश्मीर में। देखिए, मुख्यमंत्री भी आम आदमी पार्टी का होगा, और आम आदमी कोई चेहरा निर्धारित किया गया? ये अभी कुछ डिसाइड नहीं है, वो पार्टी डिसाइड करेगी, हमारे सीनियर नेता। सीटें कितनी? 90। 90 में से 90 लेंगे? 88 सीटें क्लियर हैं और कोशिश करेंगे कि 90 की 90। तो भाजपा को भी पार करके वो तो 50 के पार बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी की जहाँ पे भी सरकार बनी है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो पंजाब हो, हमने फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाई है। दिल्ली में बात करेंगे तो 70 में से 67 सीटें, और पंजाब में बात करेंगे तो 117 में से 92 सीटें दी हैं। तो यही बदलाव हमें जम्मू कश्मीर में भी नजर आ रहा है, तो 90 में से 88 सीटें जो है वो। अगर ये जो स्ट्रैटेजी आप बनाते हैं, ये कांग्रेस को अगर ये स्ट्रैटेजिस्ट मिल जाए, ये जो व्यक्ति है जो आपकी पूरी स्ट्रैटेजी बनाता है, तो कांग्रेस को कितना फायदा होगा? देखिए, हमारी स्ट्रैटेजी कोई नहीं बनाते, हमारे साथ आम आदमी, आपके लिए तो निश्चिंत कहा जाता है, रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। आम लोग हैं मैडम, आम लोगों को जब हम जागरूक हो रहा है तो निश्चित रूप से वो बदलाव चाह रहा है, उस बदलाव की वजह से आम आदमी पार्टी का जो एक तरफा मैंडेट मिल रहा है ये आम लोगों की वजह से मिल रहा है। जो अन्य पार्टियाँ जो आपने खुद बात की है कि परिवारवाद को लेकर आगे चल रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आम लोगों को लेकर चल रही है, उनकी जरूरतों को आगे लेकर। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है एग्जिट पोल के नतीजों को भी बदलने के लिए सक्षम मानी जाती है, यही हाल
हमने पंजाब में देखा, और दिल्ली की तो बात ही मत कीजिए, वहीं से शुरुआत हुई थी। अब गुजरात की ओर विजय रथ की ओर ये अग्रसर है, वहीं अगर हिमाचल की ओर भी नजरें हैं और जम्मू कश्मीर में, जहां केंद्र सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि नवंबर के महीने में हो सकता है चुनाव, हालांकि निर्धारित नहीं है लेकिन समय नज़दीक है और तैयारियाँ जो हैं आपको कार्यालय से दिखा रहे हैं, आगामी चुनाव में किस तरह से जनता का समर्थन मिलेगा ये देखना दिलचस्प होगा। अभी हमारे बने देखते थे न्यूज़ ऑन लाइव।